अस्सलाम वालेकुम मेरे साथ। अच्छा, ट्रीटी ऑफ लुसेन क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कि कब वजूद में आई, क्यों आई और किसके थ्रू आई, सही है, इसकी फीचर्स क्या है, ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं अभी। अच्छा, फिर इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर हम इसकी बता दें तो हम ये कह सकते हैं कि तुर्की पर जो अभी तक की पाबंदियाँ लगी है, ठीक है, वो ट्रीटी ऑफ लुसेन की वजह से लगी है। सॉरी, मेरे मुंह पे बार बार वो सही इसकी अल्फाज आ रहा है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लुसेन की वजह से लगी है। ट्रीटी ऑफ लुसेन क्या चीज़ है, इससे पहले हम इसकी अगर बैकग्राउंड देख लें तब हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि ट्रीटी ऑफ लुसेन की वजह में। अच्छा देखो, 1914 में जो है, मतलब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, पहली जंग असीम की शुरुआत हो गई, ठीक है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1918 में क्या हुआ, ख़त्म हो गया, एंड हो गया, एलाइड्स पावर जीत गए और जो दूसरा साइड था वो क्या हो गए, हार गए, जर्मन वगैरह, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसको, हम आगे देखते हैं कि यार जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, फिर इसके बाद 1920 में, कब, 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस वजूद में आई, ट्रीटी ऑफ सेव प्रस कब वजूद में आई, 1920 में, इसकी मकसद क्या था, ठीक है, इसका जो मकसद था वो तुर्की को डिवाइड करना था, टू डिवीजन ऑफ द टर्की, इसका मकसद ये था तुर्की को तकसीम करना था सल्तनती उस्मानिया को, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, देखो सुल्तान और हासिम सबसे पहली जो वो था बादशाह था तुर्की का सल्तनत उस्मानिया का, वो कौन था, काई कबीले का सरदार अर्तुल गाजी, ठीक है, सुलेमान शाह का बेटा, जो आपने ड्रामा देखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको गाजी क्यों कहता था और उस्मान को सुल्तान क्यों कहता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम का जो लकब था मुसलमान बादशाहों का वो गाजी का लकब था। गाजी किसे कहते हैं, इस्लाम के लिए, इस्लाम का जंगजू, जो इस्लाम के लिए, वो जंगजू वो वर जो इस्लाम के लिए लड़ता हो, ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए लड़ता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गाजी, ठीक है। फिर बाद में ये नाम बादशाह, पहले बादशाहों के गाजी कहते थे, इसीलिए इसका उस्मान का जो वालिद है अर्तुरुल, उसको क्या कहते हैं, गाजी कहते हैं, ठीक है, अर्तुरुल गाजी, और इसको अच्छा, और इंग्लिश में, जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन किसे कहते हैं, फॉलोअर्स या फॉलोअर्स आप कह सकते हो, ठीक है, फॉलोअर्स एम्पायर्स के, सल्तनत उस्मानिया के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहते हैं, ऑटोमन और एम्पायर, तो सल्तनत। अच्छा, ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है, इसका मकसद ये था, ये ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करना था, इसको तकसीम करना था, ठीक है। देखो ये तुर्की, इसके नीचे जो है क्या है, इराक आता है, ये सीरिया आता है, इस साइड पे आप अगर आ जाए तो जॉर्डन आता है, लेबनान आता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाए फलस्तीन आता है, फिर नीचे इस पुल नीचे आ जाए इसके तो सऊदी अरब आता है, नीचे यमन आता है, ओमान आता है, यूएई आता है, इस साइड पे बहरीन आता है, कतर आता है, कुवैत आता है, ठीक है, ये सारे इलाके हैं, हाँ इधर तक सीरिया आता है, लेबिया आता है, बहुत सारे इलाके आते हैं, ठीक है, ये सारा क्या था, तुर्क था, इसको क्या कहते थे, ऑटोमन एम्पायर, वो उधर मोरक्को तक गया हुआ था, इसको क्या कहते थे, ऑटोमन एम्पायर। इसने क्या किया, ट्रीटी ऑफ सेवरस में इनको अलग अलग किया, ये देखो ये बल्गारिया इसको अलग किया, ये रोमानिया इसको अलग किया, ठीक है, ये यूक्रेन ये ऑलरेडी अलग था, ठीक है। अच्छा, इनको डिवाइड किया, फिर ये कहते हैं तुर्की की जो गवर्नमेंट थे उसने कहा, क्यों भाई ये तुम्हारी बाप की जागीर जो आप जहाँ पे पेंकते हो पेंक, ठीक है, ये इस्लाम नहीं मानेंगे। फिर एक और जंग लड़ी गई, जो अल्लाह करे मैं आप लोग को गलत गाइड ना करूँ, मेरे ख्याल में अजमेर नाम है उस जंग का, सही है, उस जंग में फिर से इनको शिकस्त हो गई, शिकस्त इसलिए हो गई क्योंकि हवारा बलकान भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो सारे कंट्रीज जो थे ये सारे इसकी अपनी तुर्क के अपनी कैपिटल इस्तांबुल के खिलाफ हो गए थे, ठीक है, तो तुर्की बहुत कमज़ोर हो गया था और ऊपर से अगर आपको पता हो वर्ल्ड वार भी हार गई थी, सही है, तो इसी वजह से ये बहुत कमज़ोर थे, उसने ये जंग हारा, जब ये हारा तब इन्होंने क्या क्या ट्रीटी ऑफ लुसेन लगा दिया। अब हम आते हैं लुसेन पे, ठीक है, लुसेन को पीस ट्रीटी भी कहता है क्योंकि इसके बाद जंग नहीं हुई, ठीक है, अमन की ट्रीटी ये लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटी ऑफ लुसेन के वजूद तो इससे आए क्योंकि इन्होंने क्या क्या ट्रीटी ऑफ सेवरस इनकार किया, और सेवरस ट्रीटी क्या क्यों वजूद में आई, पेरिस ट्रीटी अगर आप लोग देख लो, सही है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे टॉपिक में आप देख लो, सही है, पेरिस ट्रीटी।
अच्छा चिट्ठी ऑफ लोसेन, लोसेन एक इलाका है स्विट्जरलैंड का, वहां पे ये इलाइट्स पावर जो है वो बैठ गए। उन्होंने क्या किया तुर्की के फ्यूचर का, उन्होंने हर एक मुल्क के फ्यूचर का क्या किया उसके बारे में ट्रीटी की, ठीक है, मुआहिदा कायम किया और कहा कि ये मुआहिदा का टाइम नहीं बताया कि ये मुआहिदा कब तक है। देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी मुआहिदे की टाइम बता दी जाए, ठीक है, जैसे कि ट्रीटी ऑफ उदेबा अगर आप देखो, सही सुलह अदबिया जो कहते हैं उर्दू में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ उदेबा अगर आप देख लो उसमें कहते हैं 10 साल तक साल टाइम मुकर्रर है। बहुत सारे ऐसे हाँ मुआहदे आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें साल टाइम को मुकर्रर करते कि इतनी साल तक मैं और आप ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम मुकर्रर न की जाए, टाइम की कोई भी मेंशन की ना हो, टाइम मेंशन हो तो वो मुआहदा 100 साल तक ही रहती है, ठीक है। इसमें टाइम मेंशन नहीं था इसलिए ये क्या था 100 साल तक। ये कब हुआ 24 जुलाई 1930 और अब 24 जुलाई 2023 को खत्म, 1930 और 2023 तो मतलब 100 साल हो गया ना, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसकी फीचर्स क्या थी, इसमें पाबंदियां क्या क्या थी। सबसे पहले जो खतरनाक पाबंदी थी वो ये थी कि तुर्की में इस्लाम फिनिश, ठीक है, इस्लाम को तुर्की ने क्या किया खत्म, बैन कर दिया, ठीक है। मतलब ऐसे भी तो बैन नहीं किया कि अगर कोई आपको नमाज करते तो उसको कतर कर दो, नहीं ये बात नहीं थी, लेकिन जो मेजॉरिटी लेवल से जो क्लेम पे आसानी होते थे, ठीक है, लोग सुनत की तरीके से जिंदगी गुजारते थे, ठीक है, आप तुर्किश लोगों के लोगों को देखो, तुर्की के लोगों को, वो आपको सूट में नजर आएंगे जो बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल जो है, ठीक है, यूरोप स्टाइल जो है, उधर यूएसए की जो स्टाइल है, ठीक है, उस स्टाइल में होंगी, और अरब वालों को देखो वो उस स्टाइल में नहीं होंगी, क्योंकि इधर चूंकि आप लुजेन के बाद इधर ये चीज नाफिज कर दिया, सारा जो था इंग्लिश का सिस्टम था वो यहाँ इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, आजान पर पाबंदी हो गई, ठीक है, और सुन्नत वगैरह दाढ़ी वगैरह छोड़ने पे पाबंदी हो गई, ठीक है, इसीलिए इन पे वही चीजें अभी तक कायम है, असर रसूख है, सही है। और ये जो ट्रीटी है ये फ्रेंच जबान में, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर की ये पहली ट्रीटी थी जो तुर्क जबान में नहीं हुई, फ्रांस की जबान में हुई, ठीक है। अच्छा पीराते इस पे इस्लाम की पाबंदी के बाद दूसरा स्टेप इसका ये था कि यार आप लोग तुर्क लोग जो है वो अपने, अच्छा एक बात मैं पॉइंट वाली बात मैं भूल गया वो मैं आपको बता दूं। अच्छा ये ठीक है, आपसे सेविस जो है उसमें यहाँ पे एक कंट्री है छोटी सी, ठीक है, इधर थोड़ा सा ईरान के अंदर भी है, ठीक है, इस में एक कंट्री है उसको कुर्दिस्तान कहते थे, क्या कुर्दिस्तान, ठीक है, आप सर्विस में उसको अलग मुल्क दिया था, लेकिन उन्होंने जब रिजेक्ट किया कि ये ट्रीटी हमें नहीं चाहिए तो दोबारा जब उन्होंने ट्रीटी आप लुजेन रखा वो कुर्दिस्तान एक अलग मुल्क नहीं था, उसमें कुर्द लोग कुछ उधर चले गए, कुछ इराक के, कुछ ईरान में, कुछ तुर्क में, सही है, कुर्द लोग जो अभी भी आप लोग को पता होगा, सही है। अच्छा हम आते हैं पॉइंट में, ये तुर्की जो है अपने जो उनकी जितनी भी जखायर हैं, जो रिसोर्सेज है, पेट्रोल हो, गैस हो, ठीक है, डीजल, जितनी भी चाहे सोना हो, गोल्ड हो, माइंस हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो क्या करेगी, विड्रा नहीं करेगी, अपनी चीज नहीं निकालेगी जमीन से, ठीक है, अपना खुद एक्सपोर्ट नहीं करेगी, इंपोर्ट करेगी, सारी ऑयल्स का इंपोर्ट करेगी, गैस का इंपोर्ट करेगी, कोई भी रिसोर्स अपना इस्तेमाल नहीं करेगा, सही है। दूसरा पॉइंट जो बहुत खतरनाक है, तीसरा पॉइंट इसका जो जरूरी मैं समझता हूँ आप लोगों को बिल्कुल बाय पेन एक्सप्लेन करना, यहाँ पे पेन तो मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सही है, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा। देखो ये क्या है, ब्लैक सी है, ठीक है, ये क्या है तुर्की है, से ये क्या है रशिया है, ये यूक्रेन है, ठीक है, ये रोमानिया है, ये बल्गारिया है, ठीक है, ये एथन है, ठीक है, ये जॉर्जिया है, सही है। इस तरह आप आते हो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बता दिया इराक है, शाम है, ठीक है, इस तरह आते हैं, ये अलग चीज है, ठीक है। ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक देखो ये एक तुर्की है, बीच में एक स्ट्रेट गुजरा हुआ, ये तुर्की का इस्तांबुल है, ठीक है, ये तुर्की है। अच्छा बीच में इनके एक समंदर गुजरा हुआ है, स्ट्रेट जिसको स्ट्रेट कहते हैं, ये है बास्फोर स्ट्रेट और ये है डेरिडेन स्ट्रेट, ये दो स्ट्रेट, इन पे क्या क्या, इनकी जो इन पे जितनी भी चीजें गुजरती है, जितनी भी जहाजें गुजरती है, तो क्या करेंगे, ये इनकी टैक्स तुर्की को नहीं मिलेगा, इसकी टैक्स क्या होगा, इंकरा को, बिल्कुल तुर्की को नहीं मिलेगा। देखो स्ट्रेट किसे कहते हैं, मैं आपको समझाऊं, ये ब्लैक सी है सारा, ये जो है मेडिटेरियन सी है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी सी है, ठीक, मेडिटेरियन। अब दो समुद्रों को आपस में जोड़ना,
आपस में कौन जोड़ रहे हैं, ये लोग जोड़ रहे हैं, ये पानी इधर इस तरह आते 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 इधर निकलते हैं मेडिटेरियन सी में, ठीक है। अब अगर जहाज यहाँ से रवाना होता है तो इधर इनकी रास्ते को पार करता है, ठीक है, तो इन जहाजों से टैक्स कौन लेता है, तुर्की नहीं ले सकता, ये फ्री जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे। अभी अगर छोटा सा मैं इन पे एक्सप्लेनेशन दे दूँ उसका, यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है वो भी इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो भी तुर्की के सदर की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, कहता है मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ठीक है। और ये जो है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन वो भी इसकी तारीफें करता है, वे दोनों इसकी तारीफें क्यों करता है, इसलिए हम एक्सप्लेन करेंगे क्या मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, वो जब आप देख लोगे तब आपको पता चल जाएगा वो इसी बॉस्फोरस स्ट्रेट पे बना हुआ है, ठीक है, वो इस पे बना हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ बिल्कुल अगर तुर्की इसकी भी मदद कर सकती है इसके थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट इस रास्ते के थ्रू, और इसकी भी मदद रशिया की भी मदद कर सकती है अगर करना चाहिए, जिससे उसकी उसने दोस्ती रचाई उसकी मजे, ठीक है, दोनों इससे इसकी तारीफ करते हैं। अच्छा ये हमारी चिट्ठी आप लोग जीन थी सही है जो 24 जुलाई 1923 को वजूद में आई थी, ठीक है, इसकी वजूहत सारा बैकग्राउंड वगैरह मैंने आपको समझा दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।